ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦਿਆਂਦਾ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵਣ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ दुआए इमाम ज़माना वली अलासर जत दौरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावतुक अलैहि व अला फी हाज़िहि सात व फी कुल साआत वलियम व हाफिज़म व क़ायदम व नासिरा व दलीलम मुआइना हता तुस्कन वर्ज़क़तुहा व तुमतु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बाद चल चला जा आले मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعرہ تکبیر کوشش کریں جتنے احباب تشریف فرما ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت नाराय हैदरी नाराय हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत या इमामुल मुंतज़र या इमामुल मुंतज़र अपने अपने उसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल-अरब वल-अजम आलम आले मोहम्मद सांसीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन का खजाना रखा। जितना शुक्र अदा करें उस जात का कम है कि उसने हम जैसे बेहसियत लोगों को करबला वालों से मंसूब करके हसीयत वाला बना दिया। मालिक आप सबको सलामत रखे, नजर बद से महफूज रहें। आज की मजलिस एक अज़ादार मातमी जो अचानक दुनिया से चला गया उनके साले शबाब के लिए है। सारे बाप एक मरतबा तौकीर मरहूम के साले शबाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। मेरे भाइयों ने खलूस अकीदत के साथ इख्तमाम किया है, मालिक इनकी मारिफत के मुताबिक इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। स्पीकर को बेटा अच्छा नहीं काम करता मेरा पुत्र सा उंज भी मंगाई ने सुखाए ने थे तू ए और से कर देगा बावाज बुलंद सलावत करेगा। मालिक जिक्र का सदका बानी मजलिस हाजरीन मजलिस की तौफीक आते खैर में बरकत अता फरमा। मालिक मेरे वतन को खतरात से महफूज़ फरमा। जो भी मिशन इमाम के साथ मुखलस है पर्दा गायब से मदद फरमा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मालिक बानियान मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफा फरमाए।
ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया। चार मिसरों से आगाज कर रहा हूं भाई जान, ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया। अगली सतर तवज्जो सारे हो जानी है। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के मैं सिदरा तक चला गया। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, देखो ना चुकर नाल मिलदा की। ऐसा दरे अली पे डॉक्टर साहब, ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के मैं सिदरा से भी ऊंचा चला गया। सजदे के लिए ये शर्त है, सुए काबा कीजिए, जिस रुख पे भी किया तबर्रा चला गया। जिस रुख पे भी किया तबर्रा चला गया। मालिक आप सबको सलामत रखे। मुझसे पहले शाहजी ने बड़े अच्छा फरमान अमीर अल मोमिनीन का सुनाया है, मेरा भी जी चाहता है मैं फरमान से आगाज करूं। सरकार के पास बंदा आया और कहने लगा मौला कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, कोई ऐसा नुस्खा बताएं मैं अमीर हो जाऊं, दौलतमंद हो जाऊं। मौला फरमाते हैं अगर तू दौलतमंद होना चाहता है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर और अपनी जरूरत की जिंदगी गुजार। ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर, जरूरत की जिंदगी गुजार। कपड़े जरूरत है, है ना जरूरत, कपड़े जरूरत हैं, 5-6-7 हज़ार का सूट जरूरत है, 10-20-30 हज़ार का सूट ये ख्वाहिश है, 10-20-25-30 हज़ार का मोबाइल जरूरत है, 5-6-7 लाख का मोबाइल ख्वाहिश है। बोला फरमाते हैं ख्वाहिशों से बचो, जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और फिर अगला जुमला अमीर अल मोमिनीन ने इसकी वजह बताई है। वाला फरमाता है याद रखो, जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है। फिर कायनात के आखिरी नबी से किसी ने कहा मौला बेहतरीन अमल क्या है, बेहतरीन पूछा किससे, जिसकी जुबान खुले कुरान तरतीब पाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है जहां भी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुल कह दीजिए, कह दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रही भाई जवेद, अल्लाह खालिक मखलूक से बात करे अपनी से, खालिक अपनी मखलूक से बात करे तो मुस्तफा के वसीले से मखलूक खालिक तक पहुंचे, तो फिर रब्ता होना चाहिए वसीला। आवाज जेड़ा ना इस स्पीकर खिंचता पे बड़ा खुश करता पे गला। मौला बेहतरीन अमल क्या है, तवज्जो है जी। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, बेहतरीन अमल क्या है। मासूम फरमाते हैं बेहतरीन अमल पहला हुस्ने खुल्क, गुफ्तगू अच्छी कर, जुबान अच्छी, अदब हया बेहतरीन अमल है। पहला अमर हुस्ने खुल्क अच्छा इखलाक। कहते मौला दूसरा अमल, मौला फरमाते हैं तवज्जो फरमाइएगा, मौला फरमाते हैं पहला अमल अच्छा इखलाक होना,
बेहतरीन अमल है। और दूसरा मासूम फरमाते हैं रिज़्क़ हलाल कमा के फिर अपने घर जाना, फिर अपने घर जाना, ये बेहतरीन अमल है निगाह मुस्तफा में। तो कल का जो दिन गुजरा है वो पाक करीमा अहले बैत की विलादत तो बासादत का दिन, तो मैं चाहता हूँ पाक मखदूमा फजीलत का एक जुमला बस सलाम कर जाऊंगा। अल्लाह बानियान के रज़्क़ के इज़्ज़त बख्त में इजाफा फरमाए। कारियुल कसायद अभी तक नहीं पहुंचे, फखरे बाशना अभी तक नहीं तशरीफ जी, और मुझे यकीन है डॉक्टर इजाज समेत जितने आप बैठे हैं सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इलाके का नौजवान जाकिर यूरोप में और जहाँ पढ़ते हैं तो फिर घर वालों को भी इश्तियाक तो भाई होता है हम भी सुने, तो आप भी को इश्तियाक है। मैं जल्दी से पहले कोशिश करूँगा मेंबर उनके हवाले करें, अल्लाह करे वो मुझे नजर आ जाए। नारा हैदरी बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। बात शुरू करने लगा हूँ कौम मुकद्दस, अल्लाह सबको ज़ियारत मुकाम आते मुकद्दस नसीब फरमाए। कुछ ही दिनों में हमारे भाई इम्तियाज भाई वो ज़ियारत करके आए हैं, यकीनन वो ज़ियारत करके आए हैं मुकद्दस कौम मुकद्दस में भी। जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम ने अपनी चार बेटियों का नाम फातिमा रखा, चार बेटियों का नाम फातिमा, फातिमा कुबरा, फातिमा फातिमा वुस्ता, फातिमा उखरा, चार बेटियों का नाम जनाब सैयदा के नाम। लो जी बात मैंने शुरू कर दी, कुम में कहत पड़ गया, कहत बारिश नहीं हो रही भाईजान, कुम में बारिश होंगी कोई नहीं पी, कहत हो गया, बंदे परेशान हो गए, सब इकट्ठे होकर उलमा के पास आए, कुछ करें 70 उलमा इकट्ठे हो गए, 70 में से 7 और 7 में से साहिब लिखते हैं कि 3 का इंतखाब हुआ जो रूहानी तौर पे बड़ी मंजिल पे थे, कहा आप सैयदा के हरम में जाएं और जाके मनाजात करें दुआ करें। वो 3 बुजुर्ग आलम दीन पाक करीमा अहले बैत के हरम में गए, अभी जाके मनाजात शुरू की थी कि नींद का गलबा, तवज्जो है, नींद का गलबा आ गया। याद रखें इस दरवाजे पे जो खलूस के साथ आए और आके फिर मांगे, डॉक्टर साहब यहां से मांगने वाले जो मांगता है ना, यहां से मिलने वाली खैरात फकीरों को सुल्तान बना देती है, यहां से मिलने वाली खैरात फकीरों को हाँ पहले मांगता फिर बांटता है, लेकिन जितना मारिफत का शौक बुलंद होगा, बात मारिफत की है। वो आलम दीन को ऐसे नींद आ गई, हर बात में हर काम में हिकमत होती है, आलम दीन को जैसे नींद आई ना, जो दुआ करने जो चुना हुआ था सबका मुंतखब किया, उसने नींद के आलम में देखा, यानी बाहर एक कब्रस्तान है, इस कब्रस्तान का नाम है कब्रस्तान नौ, कब्रस्तान नौ वह उलमा की कब्रें हैं। उस आलम दीन ने ख्वाब में क्या देखा, कब्रस्तान नौ से एक बुजुर्ग उठे हैं, नाम लिखा है मिर्जा, मिर्जा कुम्मी, और आके कहने लगे इज्जत माफ आप बारिश के लिए दुआ करने आए हैं, बारिश बरसवाना हो, औलाद मांगना हो, शिफा मांगना हो, रिस्क मांगना हो तो मेरे पास आओ। बारिश बरसवाना है, रिस्क
मांगना है, शफा मांगना है औलाद, मेरे पास आओ। और फिर कहते हैं तवज्जो, मैंने बीबी के हरम में झाड़ू दिया है और झाड़ू की वजह से मखदुमा ने मुझे इख्तियार दिया है। मैं उठे झाड़ू मारना, मारता बीबी ने मुझे इख्तियार दिया। लो जी अब जल्दी से आलमे दीन की आंख खुली। मिर्जा आज भी कबर है, मिर्जा कुम्मी कब्रस्तान नौ। लो जी जल्दी से वो अपने साथियों को लेकर कब्रस्तान में का ये काम तो मैं कर सकता हूं, मेरे को लाओ मैं कर देना। जैसे मौला इमाम रजा अलैहि सलाम के सहाबी ने कहा था, मारूफ करखी ने, कि लोगों अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए अल्लाह को मेरे चेहरे का वास्ता दिया करो। तो लोग कहते थे तेरे नाम में तेरे पेशानी पर इतनी बरकत का। मैं 14 साल माश की रहा हूं बादशाह रजा का, दिन में कई मर्तबा मौला मेरा नाम लेके बुलाते थे, अल्लाह ने मेरे नाम में शिफा रख दी है। मान जाइए। लो जी ये डूबते को तिनके का सहारा, वो जल्दी से उठे और कब्रस्तान नौ में मिर्ज़े कुमी की कब्र पे जाके दुआ कर। अभी दुआ के लफ्ज खत्म नहीं हुए, अभी दुआ के लफ्ज मुके नहीं, खत्म नहीं हुए, बारिश शुरू होगी। और कहते कुम में इतनी बारिश कभी नहीं हुई, बड़ी बारिश हुई। अब ये उलमा परेशान हो गए, कहने लगे उसने कहा ये बारिश बरसवाना हो, औलाद मांगना हो, शफा मांगना हो, रिस्क मांगना हो तो मुझसे मांगो, हमने पूछा ही नहीं, मासूमा से फिर क्या मांगे। तो जो हमने ये तो मांगा ही कि मासूमा से क्या मांगे। आलमे दीन ने, आलमे दीन को पता था कि 40 दिन एक वजीफा किया जाता है, जो बंदा दुनिया से चला जाए उससे ख्वाब में मुलाकात हो जाती है 40 दिन। उन्होंने कहा हम चिल्ला करते हैं, वो वजीफा करते हैं और पूछते हैं, फिर बुलाते हैं मिर्जा को। अब मिर्जा से पूछेंगे कि शिफा तुझसे मांगे, रिज तुझसे मांगे, मखदूमा से फिर क्या मांगे जिन्होंने तुझे खैरात दी है। कहते हैं 40 दिन का वो वजीफा मुकम्मल हुआ, फिर ख्वाब में मिर्जा कुम्मी फिर आ गए और कहने लगे तूने 40 दिन की मेहनत की है, सीधा मेरी कब्र पे आ जाता। ओए होए होए होए, बस 40 दिन का तूने इतना वजीफा किया है तो तू पहले दिन मेरी कब्र पे आ जाता, मैं तुझे बता देता। कहा जनाब आप तुम ये भी जानते हो, सारिया गल्ला जानते हो, तो मेहरबानी करनी सी आपने पहले दिन ही बता देना था। फरमाया अगर मैं पहले दिन बता देता 39 दिन तू जिक्र खुदा और न करता, और याद रखे जो जिक्र खुदा से रोके वो साहिब करामत नहीं होता। जो है जो जिक्र खुदा से रोके वो साहिब वो करामत तो नहीं होता। पूछो क्या पूछना, कमरे पूछना ये है, आप ही बताएं करीमा अहले बैत से क्या मांगे। तो मिर्जा ने कहा करीमा अहले बैत से अगर मांगना है तो कयामत की शफात मांगो। शफात दोस्तों बात यह है कि जरूरत इस बात की है कि दीन को समझा जाए, दीन की कदर की जाए, दीन पे अमल किया जाए। और जब दीन पे अमल करेगा तो फिर नमाज़े पंजगाना अदा करेगा, और फिर दीन पे अमल करेगा किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। बस बस चूंकि हमने बहुत जल्दी इज्जत इमाद को मिंबर देना है, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि दीन की कदर करें।
एक आलम दीन ने तवस्सल किया अमीर अल मोमिनीन से और तवस्सल में कहा, मौला हमने किताबों में पढ़ा है कि जब मोहम्मद की दुखियारी बेटी दुनिया से गई है तो आपने 40 कब्रें बनाई, रवायत इससे ज्यादा भी है 40 कब्रें तक मैं पढ़ूं, पढ़ रहा हूं। आप ऐसा करें मौला, मुझे असली कब्र के मुतल्लक इरशाद फरमा दें ताकि मैं मखदूमा की कब्र का तवाफ करूं, ज्यारत करूं, मुझे अजर मिले। तो फरमाया ये हम 14 का राज है, ये राज है। फिर मौला मौला फरमाते हमने कभी किसी को खाली नहीं भेजा, तू लेना चाहते अजर कम चला जा, और कम रजा के हिस्से की बहन की कब्र का तवाफ कर, तुझे सैयदा बतूल की कब्र का तवाफ का अजर मिलेगा। बस नौजवान दुनिया से गया है, मजलिस से अजा बरपा हुई है, बस इंतजार था मुझे साकिर अहले भाई का, आ गए हैं, उनके हवाले मेंबर करने लगा हूं। करबला से लेके शाम तक शामियों ने देखा जिधर हुसैन की अकबर का सर जाता, पाक हुसैन बादशाह का सर मुड़ जाता। एक मौका ऐसा आया, बस आखिरी जुमला मेरा हिस्सा हो जाए, अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन के सब्र। एक मौका ऐसा आया कि जिस संदूक में मौला हुसैन का सर था, सर नहीं मिला। शिमर ताजियाना लेके सैयद साजिदीन के करीब आया, आके मारना शुरू किया और कहते हैं आपके बाबा का सर नहीं मिलता। तो सैयद साजिदीन रो के फरमाते हैं वहां देखो जहां मेरे अकबर का सर है। बस अजादारो जहां अकबर का सर था, अकबर के मुंह पे मुंह रख के हुसैन कह रहे थे अकबर सारा दिन तो मुझे नजर नहीं आया। अल्लाह हुसैन के अकबर का सदका तौकीर अब्बास के दर्जा, अल्लाह हुसैन के अकबर के सदका हम सब के गुनाह माफ़।